लॉर्ड नैकले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी हिंदुस्तान के मिट्टी में आया था। यहां पर आते ही सबसे पहले यहां के शिक्षण व्यवस्था का उसने अनुमान लगाया कि आखिरकार यहां के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते क्या है, सीखते क्या है, उनके हाथों में कौन सी किताब है। जब उसने पूरा सर्वेक्षण किया तब उसे पता चला कि यहां का छोटा छोटा बच्चा रामायण पढ़ता है, यहां छोटे छोटे बच्चे वेद शास्त्र संस्कृत कहते हैं, यहां का हर बच्चा अपने वेद पुराण से विज्ञान से 4 कदम आगे बढ़ चुका है। रामायण महाभारत और उसके शास्त्र के प्रति उसकी आस्था बढ़ी है। इसी के वजह से अन्य देशों के तुलना में भारत सबसे आगे था। तो इसने एक पत्र लिखा, एक पत्र के अनुमान में इसने एक वाक्य लिखा अंग्रेजों को। यह कहता है, इफ यू वांटेड टू रूल ओवर द इंडिया, गिव देम योर एजुकेशन, इंडिया विल बी फॉरगेट देमसेल्फ विद इन द पीरियड ऑफ 30 इयर्स। अगर आप लोग को इंडिया के ऊपर हुकूमत करनी है, हिंदुस्तान के ऊपर राज करना है, तो अंग्रेजों को यानी कि जितने भी क्रिश्चियन हैं उनको अपनी शिक्षण पद्धति इस हिंदुस्तान के बच्चों पर लागू करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान अपने आप को 30 साल के अंदर भूल जाएगा। और यही हाल फिलहाल में हो रहा है, हिंदुस्तान अपना इतिहास पूरी तरह से भूल चुका है, जिसका सुंदर नजारा ये वीडियो है। अब ये पूरा वीडियो देखने के पश्चात मुझे सबसे ज्यादा तरस आ रहा है इन छोटे से मासूम बच्चों के प्रति, क्योंकि इनको पता नहीं है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि अपने ही संस्कृति अपने ही धर्म का ये उपहास उड़ा रहे। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उनकी है जो सामने बैठ के ठहाके लगा रहे, गलती तो उनकी है जिन्होंने ये स्किट लिखा है। और आप लोग को बखूबी पता है कि हरियाणा के सेंट मेरी जॉ स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर कौन होंगे, पढ़ाने वाले मदर कौन होंगे, फादर कौन होंगे, आप लोग बखूबी जानते हो। अपने ही सनातन धर्म का उपहास उड़ाना आजकल एक फैशन सा हो गया, अपने आप को प्राउड आर्टिस्ट कहना है, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति इतनी ज्यादा घृणात्मक बात कहनी है कि आप लोग को अन्य मजहब के अंदर, अन्य रिलीजन के अंदर क्या गलतियां हैं वो दिखाई भी नहीं देती। हम ये नहीं कहते कि आप एथिस्ट मत बनो, लेकिन एथिस्ट के नाम पर जो धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट करते हो, कभी अपने आप को निष्पक्ष रहकर विचार करना कि सनातन धर्म आखिर है क्या। कुछ दिन पहले ही दिल्ली एम्स का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर पढ़े लिखे छात्र यानी कि यहां के एम्स के बच्चे जो डॉक्टर बनने वाले थे, उन्होंने भी रामायण के साथ सेम व्यवहार किया। और रामायण के प्रति आजकल इनकी घृणा सामने दिखती आ रही है। जिस स्कूल के अंदर ये पढ़ रहे, उस स्कूल का इतिहास क्या है, यानी कि मिशनरी स्कूल हिंदुस्तान के अंदर कौन से उद्देश्य से आया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हिंदुस्तान के सभी इतिहास को मिटाना है और सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी के हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाकर आगे बढ़ाना है, यही उनका मेन उद्देश्य होता है। 19 अगस्त
2019 के अंदर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस वैद्यनाथन ने एक स्टेटमेंट जाहिर करा था। उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स इज अ हाईली अनसेफ फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेकिन कार उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा था, यह पूरा का पूरा केस आप सीधे जाकर गूगल पर पढ़ सकते हैं। यहां पर बताया गया था कि डजन से भी ज्यादा लड़कियों का यहां पर सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया था। आप लोगों ने बहुत ऐसे केस सुने होंगे, बहुत से ऐसे चीजें अपनी आंखों के सामने देखे होंगे। अगर कोई मां बाप ये वीडियो देख रहा होगा और जिनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, तो उनको पता होगा कि उनके बच्चे टीका नहीं लगा सकते, उनके बच्चे हाथ में कलावा नहीं पहन सकते। यहां तक कि दिवाली के अंदर अगर उन्होंने हाथ में अपनी मेहंदी रचा ली तो भैया माफ करिए, आप आपके जो हाथ है, आपकी बेटी के हाथ है, उसे पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर खून निकाल देंगे उस मेहंदी को हटाने के लिए, क्योंकि वो सिंबल है रिलीजियस का। लेकिन इन्हीं स्कूल के अंदर अपने क्रॉस पहनकर फादर मदर कहने पर मजबूर किया जाता है, फादर मदर कहकर अलग ही एजुकेशन सिस्टम को प्रेजेंट किया जाता है। और यही हाल फिलहाल में हमारे देश के अंदर हो रहा है, जहां एक तरफ पाश्चात्य संस्कृति के छोटे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडल मानते हुए भक्ति में लीन होते हैं, और वहीं दूसरी ओर हमारे छोटे छोटे बच्चे रामायण का मजाक उड़ाना अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता समझते हैं। अब ये पूरा वीडियो देखने के पश्चात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हमारे देश में कैसे बीज उत्पन्न हो रहे, कैसे कैसे बीजों को पानी देकर बड़ा किया जाता है। और यही बड़े बच्चे होने के बाद रामायण को, महाभारत को माइथोलॉजी कहेंगे। अभी भी कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें माइथोलॉजी है। ठीक है, आपके लिए सारी चीजें माइथोलॉजी है, लेकिन अंग्रेज के बच्चे इन्हीं चीजों को सीख सीख कर पढ़ पढ़कर तुमसे 100 कदम आगे बढ़ चुके हैं। तुम मानो या ना मानो, हमने अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, जिसके वजह से आज हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं। और यही बच्चे आगे चलकर एथिस्ट बनते हैं। हमें एथिस्ट से कोई तकलीफ नहीं है, एथिस्ट बनिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप किसी भगवान का, किसी के पात्र का, उसके पूरे जीवन कथा का मजाक बनाकर रख दे। और यही सारी चीजें स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाई जा रही है, इससे अभी के अभी रोकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में रामायण आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बन के रह जाएगा, महाभारत आप लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो बन के रह जाएगा। इससे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है और क्या समझना है, यह हम पूरी तरह से भुला चुके हैं। अब इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी थी कि किस तरह से इस क्रिश्चियनी मिशनरी स्कूल के द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी किया जाता है। आदिवासी विभाग के अंदर, अब मैं जहां पर रहता हूं उससे 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही आदिवासी विभाग है, उसी आदिवासी विभाग के अंदर महीने का राशन पहुंचाकर मासूम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होता है। इस चीज को आप झुठला नहीं सकते। जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग उतरोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि आखिरकार ये सारी सिचुएशन है क्या, और ये सारे बाहर देशों से हो रहे फंडिंग से की जाती है। और इन चीजों को झुठलाना असंभव है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है। अब इन स्कूल के ऊपर क्या एक्शन होता है, पिछला जो वीडियो था एम्स का, उसके अपडेट देता हूं कि सभी बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि डॉक्टर्स को सभी को सस्पेंड कर दिया गया था। अब यहां पर बच्चों को निकालने से ज्यादा टीचर्स को दंड देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सामने तालियां बजा रहे हैं उन्हें दंडित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके ट्विटर के ऊपर आप लोग अपनी आवाज को उठाए। अगर इन सारी चीजों को, इन वीडियो को, इन ट्विटर के ट्रेंड को हम अलर्ट करते हैं, तभी जाकर नेशनल मीडिया इन सारी चीजों को कवर करती है, वरना मजाक मजाक बन के रह जाता है, रामायण मजाक का पात्र बन के रह जाता है। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए मेरे सनातनियों, जय सनातन।